तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत सारे यार कमेंट्स आते रहते हैं कि सर पुणे में जितने भी पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं तो उनके बारे में सर बताते रहें। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, पुणे में जितने भी अवेलेबल हैं, मतलब मैं सारे डिस्ट्रिक्ट कवर करूँगा, महाराष्ट्र में जितने भी है वो भी हम करेंगे। और पुणे में अभी जो है फ़िलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, जितने भी पॉलिटेक्निक के कॉलेजेस हैं उनका मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ, मतलब कहाँ पर है, कितने कोर्सेस हैं, क्या इनटेक है, सब कुछ मैं बता रहे हैं कि कोशिश कर रहा हूँ। जितनी भी उस कॉलेज की इन्फॉर्मेशन मुझे अवेलेबल हो सकती है वो सारी की सारी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप यार इन वीडियो से किसी ना किसी बच्चे का, किसी ना किसी स्टूडेंट का फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे के कमेंट भी आ रहे हैं सर कि हमें फ़ायदा हो रहा है, हम बहुत सारे कॉलेज के बारे में जान पा रहे हैं, एडमिशन का पीरियड है तो हम समझना चाहते हैं कि कौन सा कॉलेज कहाँ पर है, कितना अच्छा है। और मैं अच्छा बुरा तो कॉलेज के बारे में नहीं बताता हूँ, लेकिन आप खुद गेस कर सकते हो, जो भी फैक्ट्स अवेलेबल है वो मैं शेयर करता हूँ उसके बाद, वीडियो को पूरा वो देखने के बाद, ठीक है। तो कॉलेज जब ये आपको चुनना है वो खुद आप इसके ऊपर और भी रिसर्च कर सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो ये कोई पॉइंट अगर मिस कर दिया है कॉलेज के बारे में। और मैं हमेशा बताते रहता हूँ यार, कोई भी इस किसी भी कॉलेज के बारे में सुनता है और उस कॉलेज में वो पास आउट हो चुका है, पढ़ चुका है और कोई पॉइंट वो जानता है जो सबको पता होना चाहिए, तो कमेंट में वो भी बता सकता है, क्योंकि फिर बाकी सारे बच्चों को उसके हिसाब से हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो यार इस वीडियो में हम बात करने वाले एकलव्य शिक्षण संस्था पॉलिटेक्निक पुणे। तो जितने भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हैं उनके वीडियोज़ हम बना चुके हैं, तो उसकी प्लेलिस्ट है, उसको सर्च करके आप पूरे के पूरे सारे वीडियोज़ देख सकते हो, ठीक है। अब हम प्राइवेट जो अनएडेड कॉलेजेस होते हैं महाराष्ट्र में उसको हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई होप यार ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस के रिव्यूज़ में कवर कर पाऊँ जल्द से जल्द, ताकि आप सब लोग को यार उसका फ़ायदा हो एडमिशन लेने के वक्त, डिसीजन लेने में, ठीक है। तो एकलव्य शिक्षण संस्थान के बारे में हम देखने वाले हैं पूरी तरीके से, इंस्टीट्यूट का इन्फॉर्मेशन, कोर्सेज डिटेल में देखेंगे, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट है भी या नहीं देखेंगे, हॉस्टल हॉस्टल के बारे में जानेंगे, फीस स्ट्रक्चर और लास्ट ईयर का कट ऑफ देखेंगे। तो यार मैं जितना भी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन हो सकता है वो सब का सब आपके साथ शेयर करता हूँ। तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो बढ़ते हैं आगे फिर। तो जैसे कि मैंने पहले ही बोला, कॉलेज का नाम यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, DT के पुणे रीजन में आता है ये, डिटेल में एड्रेस देख सकते हो, ये कोथरूड में आता है, पौड़ रोड, ठीक है। और पुणे डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड भी यहाँ पे देख सकते हो, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है 1983, ठीक है। तो तालुका है पुणे सिटी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यार, ईमेल आईडी भी है कॉलेज का और वेबसाइट का भी एड्रेस यहाँ पर अवेलेबल है। तो अगर आप इस कॉलेज को फिजिकली विजिट करना चाहते हो तो यहाँ पे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो पुणे, पुणे से आप 13 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा आपको आगे, और शिवाजनगर बस स्टैंड जो है वहाँ से आपको 9 किलोमीटर पड़ेगा कॉलेज। और आप फ्लाइट से आ रहे हो तो नियरेस्ट एयरपोर्ट जो है लोहगांव का पुणे में, वहाँ से आपको 20 किलोमीटर आगे ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है, कॉलेज को पहुँचने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं हॉस्टल के बारे में। तो यार अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर हॉस्टल की अवेलेबिलिटी नहीं है, बॉयज़ हॉस्टल भी नहीं है और गर्ल्स हॉस्टल भी नहीं है। फिर भी यार अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, इस साल कॉलेज में हॉस्टल बना है या नहीं ये जानने के लिए यार कॉलेज के वेबसाइट को आप विजिट कीजिए, वहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिलेगा, डायरेक्टली कॉलेज को फ़ोन करके आप पूछ सकते हो कोई भी इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर आपको अवेलेबल नहीं हो पाई है, ठीक है। एक्स्ट्रा कुछ भी चाहिए तो कॉलेज को आप कॉन्टैक्ट एनी टाइम कर सकते हो, ठीक है। तो हॉस्टल की ज़रूरत तो हमेशा पड़ती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर हॉस्टल अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं यार, कौन से कोर्सेज है वो देखते हैं। उसके पहले मैं बता दूँ, अनएडेड कॉलेज है, नॉन ऑटोनोमस कॉलेज है, ऑटोनोमस नहीं है, ठीक है। तो चॉइस कोड जो होते हैं इसको आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये इन्फॉर्मेशन के लिए दिया हुआ है, जब आप ऑप्शन फॉर्म भरते हो ना तब आपको चॉइस कोड वहाँ पे दिख जाएंगे। तो सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर है और मैकेनिकल, सिर्फ 3 ही कोर्सेस है इस कॉलेज में, बराबर। तो छोटा कॉलेज है और इंटेक भी कम है, जनरलशिप में है, को एजुकेशन है और नॉट रजिस्टर्ड फॉर ANBA। 1983 में सिविल इंजीनियरिंग शुरू हुआ और मैकेनिकल शुरू हुआ, फिर 1998 में कंप्यूटर शुरू हुआ। इंटेक भी कम है, 30-30 है और मैकेनिकल का 40 है, टोटल सिर्फ 100 इंटेक है पॉलिटेक्निक का, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ा कॉलेज नहीं है, छोटा कॉलेज है। तो यार इस कॉलेज का एडवांटेज भी होता है, आप यहाँ पे अगर छोटा कॉलेज है ज़्यादातर बच्चे चाहते हैं इसको अवॉइड करें जिनका स्कोर अच्छा है, तो बाकी बच्चे जिनका स्कोर अच्छा नहीं है तो वो यार इसको अप्लाई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पे मिलता है नहीं, क्योंकि कंप्यूटर अगर आप पुणे सिटी में पढ़ना चाहते हो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी तो यहाँ पे कट ऑफ कम रहेगा, ठीक है। तो आप इस ऐसे कॉलेजेस देख के उन पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सिविल का अगर कट ऑफ देखते हो तो 58 है, तो ऑफकोर्स यार बाकी इसका अवेलेबल नहीं हो पाया, लेकिन आप समझ सकते हो ओपन का अगर 58 है तो बाकी कैटेगरीज का उससे कम ही होगा, मतलब
90% बोल सकते हैं हम यार कमी होगा। ओपन के लिए यहाँ पे भी देख सकते हो इसका कमी होगा। तो होम डिस्ट्रिक्ट का कट ऑफ जो है, मतलब जिन लोगों ने पुणे डिस्ट्रिक्ट से दसवीं किया है उनके लिए, और ये वाला जो कट ऑफ है जिन लोगों ने पुणे डिस्ट्रिक्ट से बाहर से दसवीं किया है, ठीक है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का 78 ओपन के लिए, तो कंपेरेटिव जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं या प्राइवेट में भी जो अच्छे कॉलेज होते हैं उनके हिसाब से कट ऑफ बहुत कम है। तो आपके लिए कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पे चांसेस अवेलेबल है, जिनका स्कोर कम है उनकी बात कर रहा हूँ। तो आप वीडियो पॉज करके, वैसे ज़्यादा कुछ कट ऑफ है नहीं पढ़ने के लिए, ठीक है। तो यार ऐसे कॉलेजेस कुछ लोगों को जिनका स्कोर कम है उनको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप ये वीडियो सबके साथ शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके। फिर मिलते हैं यार एक और ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियो में।